हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइव टी में काम आने वाले औजार। फाइव टी कहते हैं उसमें कौन कौन से औजार काम आते हैं, उनका क्या काम होता है। तो आज नंबर एक है हमारा पाइप कटर। पाइप कटर का कार्य क्या है? पाइप फिटिंग में पाइपों को काटने का काम आता है, क्योंकि हम जब पाइप फिटिंग करते हैं, नल फिटिंग करते हैं, तो पूरे पाइप की एक जैसी लाइन, पूरी लाइन तो काम आती नहीं है, उसमें काम आपको टुकड़े करने पड़ेंगे। तो टुकड़े करेंगे तो उनको मशीन द्वारा काटेंगे, पाइप कटर के द्वारा। तो उसमें है नंबर एक पाइप कटर, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, पाइप को काटते हैं। पाइप कटर का उपयोग पाइपों को काटने के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है, पाइप कटर का उपयोग पाइपों को काटने के लिए किया जाता है। इसमें सी आकृति का एक मजबूत हेड होता है। इसमें सी आकृति का एक मजबूत हेड होता है। इस तरह का हेड होता है, इसमें हेड होता है, इसमें एक रोलर हैंगर होता है और एक सिलेंडर होता है। फ्रेम लगा होता है, जैसा आपने कहा सी आकृति का एक मजबूत फ्रेम लगा होता है। इसके एक सिरे पर स्पैंडल लगा होता है तथा दूसरे सिरे पर गाइड कॉलर का जोड़ा लगा होता है। जिसके एक सिरे पर क्या लगा होता है, स्पैंडल, ठीक है। एक सिरे पर क्या लगा होता है, स्पैंडल, और दूसरे सिरे पर लगा होता है गाइड कॉलर के साथ कॉलर लगे होते हैं, एक जोड़ा लगा होता है कॉलर का। और ये रोलर पाइप को घूमते समय गाइड करते हैं। स्पिंडल से संचालित स्लाइड पर कठोर कट स्टील की दो कटर डिस्क लगी होती है, ठीक है। अब है नंबर दो पाइप रिंच। इसका काम क्या है पाइप रिंच का? पाइप को खोलने और कसने के काम आती है। पाइप रिंच का काम क्या है? पाइपों को खोलने और कसने के काम, या पाइप को खोलने कसने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पाइप रिंच के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? पाइप रिंच के द्वारा। और ये कितने साइज तक के पाइप को खोलने और कसने का काम आती है? 15 mm से 50 mm तक के जो पाइप का व्यास होगा उसको खोलने के लिए ये काम आती है, या पाइप रिंच। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार अपने पाइप खोलते हैं, और अपना कोई ट्यूबवेल वगैरह खोलते हैं, या हेडफोन वगैरह पाइप खोलते हैं, तो उसमें भी एक पाइप रिंच होती है जिसमें जाल लगी होती है, अपने इस तरीके से बंद होती है। इस तरीके से बंद होती है, इसमें एक जाल ना होती है, यहाँ होती है, इसके बीच में पाइप को पकड़ के, और यहाँ इसमें ये जो इसका ढीला है, इसमें एक नट लगा होता है, इसके द्वारा इस ऊर्जा को आगे पीछे करके और इसके द्वारा हम पाइप को खोलते हैं। नंबर तीन चैन पाइप रिंच। ये भी क्या है? ये भी पाइप को खोलने और कसने के काम आती है। पाइप रिंच, पाइप रिंच पर जाला दी होती है, इसके बीच में पाइप को पकड़ के इस नट से इसको एडजस्ट करके पाइप को पकड़ के खोलते हैं। और पाइप रिंच में क्या है, ये भी पाइप को खोलने के काम आती है। लेकिन इससे बड़े साइज के पाइप खोलने काम आगे, जैसे 50 mm से और 150 mm तक के जो पाइप का व्यास होता है उसको खोलने के लिए इसका काम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस इनकी जगह इसमें क्या होता है, चैन लगी होती है। चैन को क्या करते हैं, कोई जो हमारा पाइप है उसके ऊपर इसको डाल के इस पाइप बेंच में, और ऊपर से चैन को फिर देते हैं पाइप ऊपर से, जिससे कि पाइप घूमे नहीं और वे आराम से खुल जाए। नंबर चार पाइप डाई टेप के उपयोग। अब इसका क्या काम है, पाइप डाई एवं टेप का उपयोग। पाइप डाई का काम क्या है, पाइपों के ऊपर जो थ्रेड काटी जाती है, सुइयां जो काटी जाती हैं, वो काटी जाती है पाइप डाई के द्वारा। और कोई पाइप में अंदर की साइड जो सुई काटी जाती है, मान लीजिए ये हमारा पाइप है, ये हमारा पाइप है, तो इसमें बाहरी साइड की सुई काटी जाएगी, वो तो डाई द्वारा काटी जाएगी।
जाएंगे। नंबर पांच, पाइप बेंडिंग मशीन इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पाइपों को मोड़ना। क्या होता है? पाइपों को मोड़ना। हम जब बल फिटिंग करते हैं या पाइप फिटिंग करते हैं तो उस समय कोई पाइप सीधा तो जाएगा नहीं, उसको हमको मोड़ना होगा खरीद कहीं से। तो उसको मोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हाथ के द्वारा करते हैं या फिर पाइप बेंडर के द्वारा करते हैं या फिर मशीनों के द्वारा करते हैं। तो पाइप बेंडिंग मशीन ये हाइड्रोलिक मशीन होती है, इसके द्वारा पाइप को मोड़ते हैं। इससे पाइप को मोड़ते समय पाइप के ऊपर किसी भी प्रकार की का कोई ये नहीं होता, बिल्कुल पूरा पूरा घूमेगा पाइप, किसी प्रकार का बोझ वगैरह नहीं होगी, पूरा पाइप घूमेगा। तो आज स्टूडेंट्स